इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते आज की खबरों पर। दिल्ली में छात्र पर एसिड अटैक, पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़िता के पिता ने बताया कि लड़की का चेहरा तेजाब से जल गया है, हालत नाजुक है। वो लड़के कौन थे, कहां से आए थे, मैं कुछ नहीं जानता। दक्षिण पश्चिम दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में 2 बाइक सवार लड़कों द्वारा 17 वर्षीय लड़की पर तेजाब फेंकने के मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी बालिग हैं। इस घटना में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका फिलहाल दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। लड़की के पिता ने इस हमले के बाद मीडिया को बताया कि बेटी की हालत गंभीर है और एसिड बेटी के चेहरे और उसकी आंखों में भी चला गया। घटना के बाद ही पीड़िता ने दोनों संदिग्धों की पहचान की थी। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर बी.एल. शेरवाल ने बताया कि मरीज को सुबह लाया गया है, 8% बर्न इंजरी है। दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर को किया गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ियों से मचाता था हुड़दंग। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई दिनों से अलग अलग गाड़ियों में कई स्टंट कर रहा था। उसके वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद एक BMW कार और स्विफ्ट कार को बरामद किया गया है। BMW में टिंटेड ग्लासेस थे, फैंसी नंबर प्लेट थी और 10 साल पुरानी डीजल कार थी। युवक गाड़ी में तेज आवाज में गाने बजाते हुए रोड पर स्टंटबाजी करता था। दिल्ली पुलिस को कई दिनों से इसकी तलाश थी। पुलिस को चकमा देने के लिए गाड़ियों को कलर चेंज करवा देते थे, कलर चेंज करवा कर ये इंस्टाग्राम रील्स बनाते थे। दिल्ली पुलिस ने BMW सहित कई लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है। कार चलाने वाला रणबीर सिंह यूट्यूबर है और पोर्ट खुर्द कला गांव का रहने वाला है। एक वीडियो में आरोपी हथियार भी लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। RBI ने इन 13 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना। रिजर्व बैंक ने 13 कोऑपरेटिव बैंकों में सबसे अधिक जुर्माना श्री कन्याका नागरी सहकारी बैंक चंद्रपुर पर लगाया है। इस बैंक पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 13 कोऑपरेटिव बैंकों पर भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। इन बैंकों पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी और केंद्रीय बैंक के आदेश का पालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया गया है। इसके तहत RBI की ओर से इन कोऑपरेटिव बैंकों पर 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। सोसाइटी लिफ्ट में फंसे रहे बच्चे और महिलाएं 30 मिनट तक अटकी रही सांसें। फ्लोर नंबर 305, 1703 और 1003 में रहने वाली 3 महिलाएं बस स्टॉप से बच्चों को लेकर आ रही थी। आरोपी की 20 फ्लोर पर आने के दौरान लिफ्ट अचानक से लाइट जाने के बाद बंद हो गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटियों में लिफ्ट खराब होने व लिफ्ट में लोगों के फंसने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला पंचशील हाइनिश सोसाइटी का है। मंगलवार सुबह और दोपहर के समय 2 टावर में लिफ्ट अटकने की घटना हुई है। सुबह के समय टावर 2 में बच्चे को बस स्टॉप तक छोड़ने जा रही 58 वर्षीय महिला, बुजुर्ग और 4 वर्षीय बच्चा 20 मिनट तक फंसे रहे, जबकि दोपहर में स्कूल से बच्चों को लेकर टावर 8 में रहने वाली 3 महिला और बच्चे 30 मिनट से अधिक तक फंसे रहे। महिला और बच्चों के रेस्क्यू का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।